स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस हिस्ट्री में, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, वो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। फ्रांस एक देश है बेटा, जिसमें जिसने बहुत स्ट्रगल किया आज के फ्रांस में और पहले के फ्रांस में बहुत ज़्यादा फर्क था। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस में क्रांति किस तरीके से आई और पुरानी प्रथाओं को और मोनार्क जो एक सिस्टम था उससे कैसे फ्रांस बाहर आया, इस स्ट्रगल को हम देखेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम के चैप्टर में। इसमें जो आपके टॉपिक्स कवर होंगे वो है, पहला टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century, यानी 18वीं शताब्दी में फ्रांस की जो सोसाइटी थी, जो वहाँ का समाज था, वो किस तरीके का था, पहले तो आप इसको जानेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशन था, जो क्रांति हुई थी, उसके क्या रीज़न रहे थे उस वक्त में और उसका क्या रिजल्ट निकल के बाहर आया, ये आप इस टॉपिक में देखेंगे। अगला टॉपिक है फ्रांस एबॉलिशेज मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, फ्रांस जो देश है उसमें मोनार्क सिस्टम किस तरीके से ख़त्म हुआ और कैसे वो देश रिपब्लिक देश बना, गणतंत्र बना, इसको आप देखेंगे। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में अगर आधी आबादी किसी को कहा जाता है तो वो है विमेन, यानी कि लेडीज़। तो विमेन का क्या रोल रहा, हमेशा किसी भी रिवॉल्यूशन में, किसी भी देश के स्ट्रगल में विमेन का बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत के इतिहास में भी अगर हम उस टाइम के स्ट्रगल की बात करें जब अंग्रेज़ भारत में थे, तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ थीं जैसे कि झांसी की रानी, बेगम हज़रत महल, इन्होंने अंग्रेज़ों से सीधे सीधे एक तरीके से अंग्रेज़ों का प्रोटेस्ट किया और शहीद हुई और इस तरह से बेगम हज़रत महल देश से बाहर उनको भेजा गया इसी वजह से। तो इसी तरह से फ्रांस भी एक देश था जहाँ पर औरतों ने भी लगातार स्ट्रगल किया अपने राइट्स को लेकर के, और फ्रांस का जो आज रिपब्लिक या आज जो गणतंत्र दिख रहा है वो उस गणतंत्र के लिए लेडीज़ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके बाद जो फिफ्थ टॉपिक है वो है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी यानी कि गुलामी, यानी दास प्रथा, दास प्रथा किस तरीके से ख़त्म हुई वहाँ पर, वो आप देखेंगे। फिर अगला है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, रिवॉल्यूशन जब हुआ, क्रांति हुई, तब उस टाइम पे रोज़मर्रा की क्या लाइफ थी वो आप पढ़ेंगे इसमें। और लास्ट है एक बहुत ही फेमस फ्रांस के हेड रहे जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे क्योंकि नेपोलियन को आपने बहुत सुना होगा। आप हम इस चैप्टर में नेपोलियन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैं कुछ टॉपिक्स आज कवर करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको मैं कम से कम दो सेक्शन में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले हम आएंगे कि उस टाइम पे थोड़ा सा फ्रांस के बारे में कि उस टाइम का फ्रांस क्या था, कैसा था, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक टाइम पीरियड दिया हुआ है 14 जुलाई 1789, यानी कि 14th of July 1789। अब बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, 18वीं शताब्दी के आखिर की बात हो रही है और फ्रांस का एक, फ्रांस की जो राजधानी है, कैपिटल है आज के टाइम पे, वो पेरिस है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस जो शहर है उस शहर की बात हो रही है। कब, किस टाइम की बात हो रही है, 14 जुलाई एक पर्टिकुलर डे है और सन कौन सा है, 1789। उस टाइम पे हुआ क्या था एक्चुअली कि 7000 के आसपास मेन एंड वुमेन दोनों ही इकट्ठा हो गए थे आकर के, कहाँ पर, टाउन हॉल के सामने। अब कितने लोग आ गए थे, 7000 कम से कम आदमी और औरतें दोनों मिल करके, महिलाएं और पुरुष दोनों मिल करके आए थे। कहाँ पर आए थे, टाउन हॉल के सामने आ गए थे। क्यों आ गए थे, क्योंकि एक अफवाह फैली उस वक्त पे, एक र्यूमर, यहाँ पर देखिए र्यूमर्स मैंने लिखा हुआ है, अफवाहें फैली वहाँ पर पे, वो ये अफवाहें फैली उस शहर में कि जो राजा है द किंग वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन, वहाँ का जो राजा है वो नागरिकों पे बहुत ही जल्दी गोलियां चलवा देने वाला है जिससे कि लोग मर जाएंगे।
तो ये अफवाह जब फैली तो वहाँ पर 14 जुलाई 1789 को शहर में द सिटी ऑफ पेरिस में 7,000 आदमी और औरतें एक साथ टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए। अब ये तो हुआ हुआ, इसके अलावा कुछ और भी हुआ। एक कैस्ट्राइल नाम का किला होता था, फोर्ट होता था, जिसको पेरिस के जो राजा फ्रांस के जो किंग थे उन्होंने उस किले को एक कैद खाना बना रखा था, एक प्रिजन बना रखा था, और उस प्रिजन में कैदी रहते थे। तो सैकड़ों के तादाद में लोगों ने सबसे पहले तो इसी बेस्टाइल फोर्ट पे अटैक किया, और अटैक करने के बाद में जो इस बेस्टाइल फोर्ट का कमांडर था उस कमांडर को इन्होंने मार दिया। कमांडर को मारने के बाद में वहां पर के जो कैदी थे वहां के उन कैदियों को छुड़वा दिया। हालांकि इस इतने बड़े सैकड़ों लोग गए हुए थे, कमांडर को मार दिया, लेकिन इनके कैदी कितने छूट पाए, कितने कैदियों को छुड़ा पाए, ये लोग सिर्फ 7 जो कैदी थे उनको वहां से रिलीज करा पाए। तो इस तरह से ये एक आपने देखा कि अचानक से रिवॉल्यूशन यानी क्रांति की शुरुआत देख ली आपने कि किस तरीके से लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन इन सब के पीछे बहुत सारे रीज़न रहे होंगे, क्योंकि अचानक से तो नहीं कोई ऐसे सैकड़ों की तादाद में लोग निकल के हज़ारों की तादाद में आके खड़े हो जाएंगे। उसके पीछे काफ़ी सारा बैकग्राउंड रहा होगा फ्रांस में, जो इन सारी चीज़ों के लिए लोगों को उकसाता रहा और धीरे धीरे करके लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो इसके थोड़ा सा और पहले यानी 1789 से भी पहले हम चलते हैं और जानते हैं कि रीज़न्स क्या थे। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक ईयर आपको दिखाई दे रहा होगा 1774 में हुआ क्या था। वहाँ का फ्रांस का जो राजा है बना, प्रिंस जो था फ्रांस का, वो जब राजा बना तो उसका नाम था लुइस 16, यानी कि लुइस नाम था उसका, और इस नाम का वो 16वां पर्सन था जो वहाँ का राजा बना, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, लुइस 16 इसीलिए बुलाया जाता है इसको। और जब वो वहाँ का किंग बना तो वो सिर्फ 20 साल की उम्र का था, और ये जो पर्सन था लुइस 16 जो वहाँ का किंग था, ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। इसकी शादी जो हुई थी वो हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मैरी एंटोनी, इनसे इनकी शादी हुई थी। और जिस टाइम पे 1774 में लुइस 16 वहाँ का जो राजा बना, उस टाइम पे फ्रांस में जो सिस्टम था वो था मोनार्क सिस्टम। मोनार्क सिस्टम मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने जा रही हूँ, वो ये होता है कि किसी भी देश में लोगों को अपने राजा चुनने का अधिकार वोट डालकर नहीं होता है। वो ना तो प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं वोट डाल के, ना अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं वोट के माध्यम से, बल्कि होता क्या है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, यानी कि वंशवाद होता है मोनार्क सिस्टम में। तो ये जो लुई 16 थे ये भी बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, और 1774 में 20 साल की उम्र में ये वहाँ के फ्रांस के राजा बन गए। अब उस टाइम पे जब ये 1774 में फ्रांस के राजा बने, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी फ्रांस की, जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम देखते हैं। हुआ क्या, एक्चुअली जो इनका खजाना था वो लगभग खाली हो गया था। कैसे खाली हुआ था, उसके भी रीजन थे। क्या रीजन थे, एक तो फ्रांस जो है वो बहुत लंबे टाइम से युद्ध में लगा हुआ था, यानी बहुत सारे उसने वार झेले हुए थे। तो जब युद्ध होता है, वार्स होते हैं, तो फिर होता क्या है, बैटल्स में पैसा तो जाहिर सी बात है खर्च होता है आर्मी के ऊपर और आर्म्स के ऊपर। तो ये एक रीज़न था उस टाइम पे कि ये इनका जो ख़जाना था वो किसी हद तक खाली हो चुका था। इसके अलावा अमेरिका की 13 कॉलोनीज ऐसी थी जो ब्रिटिश के अंडर में थी, यानी कि ब्रिटेन के अंग्रेज़ों के अंडर में थी, और इन्होंने अमेरिका से एक डील फाइनल करी, वो ये कि हम आपकी मदद करेंगे, ये जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ है इनको अंग्रेज़ों से यानी ब्रिटेन से छुड़वाने के लिए। तो इन्होंने अमेरिका का साथ दिया, वहाँ पर भी अपनी आर्मी भेजी, युद्ध हुए, और तब जाके ये अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन के अंडर से छुड़ा पाए। तो इसमें भी पैसा खर्च हुआ। अब आते हैं तीसरे रीजन पे कि इनका पैसा कहाँ पे बहुत ज्यादा खर्च हुआ, वो था पैलेस ऑफ वर्सेल्स। जो पैलेस ऑफ पैलेस यानी कि महल, जो वर्सेल्स का महल था जहाँ पे राजा और रानी उस महल में रहा करते थे और शाही खानदान के लोग रहा करते थे, उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी इनको पैसा चाहिए होता था और वो उस पर खर्च करते थे।
अब इन्होंने लोन ले रखा था, राजा ने लोन ले रखा था बड़े बड़े लोगों से, तो उस लोन को भी इनको 10% इंटरेस्ट के साथ में चुकाना होता था। तो जिस वक्त 1774 में लुई 16 राजा बने, फ्रांस के किंग बने, उस टाइम पे इनकी जो ताजपोशी हुई, उस टाइम पे फ्रांस इन सारी समस्याओं से, इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। यानी कि किसी भी राजा को अपना राजकाज चलाने के लिए पैसों की तो ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि पैसों के हिसाब से इनका जो ख़जाना था वो इन रीज़न से खाली हो चुका था। बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहे थे, इन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज ब्रिटेन से के अंडर से छुड़ाई थी, इनका जो खुद का महल था उस पर भी मेंटेनेंस बहुत सारा खर्च होता था, इसके अलावा लोन जो इन लोगों ने ले रखा था उसको 10% इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता था। अब ये जो थे, इनकी जो आमदनी थी, ज़रा उस पर हम निगाह डालते हैं, और इनके इन सारे खर्चों का या इनके ख़जाने का जो खाली होने की वजह से जो आम पब्लिक थी उस पर क्या असर पड़ रहा था, हम ये जानते हैं। देखिए, सोसाइटी जो थी फ्रांस की उस टाइम पे, वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, 3 स्टेट्स बने हुए थे, और उन 3 स्टेट्स में किस तरीके से डिवाइड थी आइए देखते हैं। पहला जो स्टेट था उसको नाम दिया गया था क्लर्जी। क्लर्जी वो लोग होते थे जो चर्च से बिलोंग करते थे, यानी कि पादरी हो गए, बिशप हो गए, और उनके जो रिलीजियस फिलोसफर हुआ करते थे जो चर्च में रहते थे, वो लोग होते थे क्लर्जी, यानी फर्स्ट स्टेट के लोग। सेकेंड स्टेट के लोग होते थे नोबिलिटी। अब ये जो दोनों स्टेट के लोग होते थे, ये देखिए क्या इनको सहूलियतें मिली हुई थी, वो देखते हैं हम आके। एक तो ये जो चर्च था ये आम लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था, और इस टैक्स का नाम था टिथिस। टिथि नाम का ये जो टैक्स था, ये आम जनता कहाँ पे करती थी, चर्च में पे करती थी, यानी चर्च के लोग आम जनता से ये वाला टैक्स टिथिस नाम का लेते थे। इसके अलावा इन लोगों को एक निश्चित यानी सर्टेन प्रिविलेज मिली हुई थी बाय बर्थ, यानी जन्म से अगर इनके खानदान से कोई भी बच्चा इनके खानदान में होता था तो उसको भी वही प्रिविलेज मिलती थी जो इनको मिली हुई थी, और ये प्रिविलेज में ये सारी ही सुख सुविधाएं पाते थे शाही खानदान की तरफ से, और इनको बदले में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता था, ना ही इनको टैक्स पे करना पड़ता था। ये टैक्स लेते थे, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये टैक्स देते नहीं थे, चर्च में टैक्स जाता था। इसके अलावा ये एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स, ये क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, और इनके पास यानी जो जनसंख्या थी इनकी, उसमें ज़्यादातर 60% ऐसे लोग थे जो कि लैंड ओनर्स थे, यानी कि जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन थी। तो ये तो हो गए फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, और मैंने आपको बताया कि 3 स्टेट्स में सोसाइटी डिवाइड थी। तो थर्ड स्टेट क्या था, देखिए 90% जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी, और ये जो थर्ड स्टेट की में ये सारे लोग कैसे थे, लैंडलेस थे, यानी कि इनके पास ज़मीनें नहीं थी। अच्छा, इनके पास कुछ ऐसे भी थर्ड स्टेट में लोग आते थे जो कि बिग बिजनेसमैन थे, यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, कोर्ट ऑफिशियल भी थे, इसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे, लॉयर्स थे यानी एडवोकेट्स थे कुछ लोग इसमें, इसके अलावा पीसेंट्स थे यानी किसान, आर्टिसेंस यानी कारीगर थे, लैंडलेस लेबरर्स थे यानी कि वो मजदूर थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी और वो दूसरों की ज़मीनों में खेती किया करते थे, उस बदले में उनको मजदूरी मिलती थी, इसके अलावा सर्वेंट्स यानी कि नौकर चाकर हुआ करते थे इसी थर्ड स्टेट में। तो थर्ड स्टेट में भी आप देखेंगे कि काफ़ी उतार चढ़ाव है यहाँ पर, उसमें भी डिवीज़न है। इसके अलावा इन थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था दो तरह का। एक तो टिथिस नाम का जो टैक्स मैंने यहाँ पर बताया जो कि चर्च लेता था लोगों से, वो टैक्स इन लोगों को पे करना पड़ता था। इसके अलावा एक टाइल नाम का टैक्स था जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे, रोज़मर्रा की छोटी छोटी जो चीज़ें थी उन पर इन लोगों को पे करना पड़ता था। ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट के यानी राजा के पास जाता था ये टैक्स, और ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे लगता था। देखिए, साल्ट यानी नमक पे टैक्स देना पड़ता था आम जनता को, इसके अलावा टोबैको यानी कि तंबाकू पे आम जनता को टैक्स देना पड़ता था। तो ये थी उस टाइम की वहाँ की सोसाइटी का डिवीज़न था, बटी हुई थी, और सारा का सारा लगभग जो भार था इनके खर्चे का, या ये जो राजा थे इनका रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो इन थर्ड स्टेट से होता था।
जिसमें किसी हद तक तो कुछ बिग बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, कोर्ट ऑफिशियल थे, लॉयर थे, ये सब तो थे, लेकिन ज्यादातर जो जनता थी, 90% जो पॉपुलेशन थी थर्ड स्टेट की, वो क्या थी, जिसके उसके पास जमीन नहीं थी, उसके पास इनकम के सोर्सेज नहीं थे, वो या तो नौकर हुआ करते थे, या तो कारीगर हुआ करते थे, या फिर लेबरर होते थे जो दूसरी जगह काम करते थे, और उनको टैक्स भी पे करना पड़ता था। किस तरह का? एक तो चर्च में वो टिथिस नाम का टैक्स देते थे, दूसरा टाइल नाम का टैक्स देते थे जो कि राजा के पास में जाता था और राजा उन्हीं से इन सब चीजों पे खर्च करता था। एक कंडीशन और उस टाइम पे वहां फ्रांस की बड़ी खराब हो चली थी कि 1715 में जो वहां की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, 23 मिलियन लोग थे 1715 में, लेकिन 1789 में आते आते वहां की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो 28 मिलियन हो गई, यानी 5 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई। अब जब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है कि उनको खाने पीने की भी जरूरत पड़ेगी, उनको हर बेसिक नीड की जरूरत पड़ेगी जो लाइवलीहुड के लिए जरूरी है। तो क्या हुआ, उनकी डिमांड तो बढ़ी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं था उन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए। तो इस वजह से, क्योंकि पैसा नहीं था, तो इस वजह से लोगों में बड़ा गुस्सा था, बड़ा रोष था राजा के खिलाफ। तो इसी वजह से, और फिर ऐसे में अगर कोई अफवाह फैल जाए, कोई र्यूमर फैल जाए, तो फिर क्या होगा, लोगों का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा। और यही सारे रीजन रहे कि 7,000 आदमी और औरतें वहां पर इकट्ठा हुए सिटी ऑफ पेरिस में, और उन्होंने एक कोशिश करी छोटी सी बेस्टाइल फोर्ट पे कब्जा करके, उस पर अटैक करके, और सैकड़ों लोगों ने उस पर अटैक किया, कमांडर को मार दिया, 7 कम से कम कैदियों को छुड़वा लिया। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत थी ये, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के आपने जो टॉपिक इसमें पढ़ा वो था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके की थी और ये रेवोल्यूशन के क्या रीजन थे, ये आपने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम यहाँ इसके और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, और तब तक आप इनको पढ़िए, और इसमें जो भी आपको समझ नहीं आया हो आप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, अपने क्वेरीज को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। टिल देन थैंक यू।